दोस्तों बदलते जमाने के साथ साथ इंसान का रहन सहन और जरूरत पूरी करने वाली चीजें भी बदल जाती हैं। समय के साथ साथ चीजें और भी बेहतर और आकर्षक होती जाती हैं। ऐसे में अगर हम बस दशकों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुरानी चीजों के बारे में जानकर हम अचंभित हो जाते हैं। आज दोस्तों हम इतिहास की 10 ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करना चाहोगे। लेट्स बिगिन। स्मोकिंग अम्ब्रेला। अगर आप स्मोक करते होंगे तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप जरूर जानना चाहोगे। लोग जिस तरह से स्मोक करते थे उससे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 1950 के दशक में निर्माण किया गया था स्मोकिंग अम्ब्रेला। आम सिगरेट की पाइप से जुड़ा अम्ब्रेला इसलिए जोड़ा जाता ताकि लोगों को सूखा धुआं खींचने में आसानी हो। ये आइडिया चला नहीं और लोगों ने सिगरेट पीने का पारंपरिक तरीका ही अपना लिया। द फ्लाइंग टैंक। युद्ध में यूज किए जाने वाले टैंक इतने हैवी होते हैं कि इन्हें हवा में उड़ाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, पर इतिहास में एक ऐसी नाकामयाब कोशिश भी की जा चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन द्वारा एंटोनोव A-40 नामक ये टैंक हवाई जहाज जैसे वाहन की तरह तैयार किया गया। अगर ये वाहन बनके तैयार होता तो ये गेम चेंजर बन सकता था, पर ये वाहन अपनी टेस्ट फ्लाइट में बस आधी दूरी ही हासिल कर पाया और नाकाम हो गया। 1920 स्विम मास्क। स्विमिंग पूल में पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किए जाने वाले केमिकल्स हमारे शरीर की त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इससे बचने के लिए हम कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर 1928 में चेहरे के लिए बना स्विम मास्क काफी चर्चा का विषय रहा। मास्क भले ही लोगों की त्वचा का रंग बरकरार रखता हो, पर बदसूरत होने की वजह से यह कभी भी लोकप्रिय नहीं हुआ। द आइसोलेटर। 1925 में निर्माण किया गया यह प्रोडक्ट सच में अजीब था। एक बड़े से हेलमेट में ऑक्सीजन मास्क लगा के इसे लोगों के पहनने लायक बनाया गया। द आइसोलेटर इसे इसलिए कहा जाता था ताकि ये पहनने के बाद ना ही आपको बाहर की आवाज आती और ना ही आप इधर उधर कुछ ज्यादा देख पाते। इससे आपको किसी निश्चित काम पे या स्टडी करने में फोकस करने में आसानी हो जाती, पर हुआ ये कि आंखों के लिए बने इस होल में हम ज्यादा कुछ देख नहीं पा सकते थे, इसीलिए इसका इस्तेमाल लोगों द्वारा बंद किया गया। एम्फीबियस बाइसाइकल। एम्फीबियस बाइसाइकल उसे कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पे भी चल सके। द साइक्लोमर एक ऐसी ही बाइसिकल थी जो जमीन और पानी दोनों पे भी चल सकती थी। 1932 में फ्रांस में बनाया गया साइकिल का ये मॉडल चर्चा का विषय जरूर रहा, पर कुछ रीजंस की वजह से ये फेल हो गया। इसके बड़े बड़े पहिए ना ही इसे जमीन पर गति प्रदान कर पाते और ना ही पानी में, इसीलिए ये बस इतिहास बन के रह गया। द फ्लाई पिस्टल। आपने क्या ऐसी गन की कल्पना की है जिससे मक्खियां और मच्छरों को मारा जा सके? असल में 1932 में एक ऐसी गन की इजाद की गई जिसमें लिक्विड डालकर ये लिक्विड मच्छरों और मक्खियों पर स्प्रे करना पड़ता था जिससे उनकी मौत हो जाती। ये कारगर जरूर था, पर थोड़ी ही कोई इंसान अपना काम धंधा छोड़कर मच्छर और मक्खियों को मारते बैठना चाहता होगा, इसीलिए प्रोडक्ट भी नाकाम हो गया। टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करने की शुरुआत असल में 1857 में हुई थी, पर उससे पहले लोग कई चीजें जैसे कि पत्ते, पत्थर, इसका इस्तेमाल टॉयलेट पेपर के बदले किया करते थे। कई दशकों पहले जब अमेरिका में लोगों की नई कॉलोनियां बसाई जा रही थी तब लोग घास, पेपर और कॉर्न हब्स का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर के बदले किया करते थे। जब इसके बारे में हम आज सोचते हैं तो हमें ये काफी अजीब लगता है। वुडन स्विम सूट। आज हमें कई तरह के स्विम सूट देखने को मिल जाते हैं जो रबर और प्लास्टिक से बने हो, पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। कई बार तो लोग लकड़ी से बना स्विम सूट यूज किया करते थे। जो इंसान अच्छे से तैरना नहीं जानता उसके लिए ये स्विम सूट काफी मददगार साबित होता। इस सूट के जरिए आप आसानी से पानी में तैर पाते और डूबते नहीं, पर आज इसकी कल्पना से ही हमें हंसी आ जाती है। द डिम्पल मेकर। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बेहद खूबसूरत हैं, पर इस खूबसूरती पर और भी रंग चढ़ा देता है अगर आपके गाल पे डिम्पल पड़ते हो तो। इसीलिए लोग सालों पहले एक ऐसा तरीका अपनाते जिससे उनके चेहरे पर डिम्पल पड़ने लगे। ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो ये महिलाओं के दोनों गालों पे कस के लगाया जाता जिससे डिम्पल विकसित हो जाए, पर ये तरीका फेल हो गया और इस प्रोडक्ट की काफी आलोचना भी हुई। मोटराइज्ड रोलर स्केट। आज के जमाने में हमें मोटराइज्ड रोलर स्केट देखने को मिल जाते हैं, पर पुराने जमाने के रोलर स्केट ऐसे नहीं हुआ करते थे। ये जो आप रोलर स्केट देख रहे हो ये 1956 में काफी लोकप्रिय हुआ। उस समय लोगों को कहीं पे भी आने जाने में काफी मददगार साबित हुआ। इसके जरिए हम 65 किलोमीटर पर आवर की गति आसानी से हासिल कर पाते, पर जिस तेजी से ये गति हासिल कर पाता उस तेजी से इसके ब्रेक नहीं लगते, इसीलिए लोग इस पे चलते कम और गिरते ज्यादा थे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।